अभी हम आए इफ्तार पार्टी में जो सिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर यूनुस जी के द्वारा यहाँ पर किया गया है, जहाँ पर आज एक मैसेज भी गया है कि डॉक्टर से अलावा एक प्रेम भावना भी देखने को मिला, जहाँ पर अपने समुदाय, अपने कर्मचारी और अपने दोस्तों के साथ, अपने सहयोगियों के साथ, अपने डॉक्टरों के साथ इन्होंने आज सेलिब्रेट किया। और यहाँ पर इफ्तार पार्टी जो बेगूसराय में बहुत कम देखने को मिलती है, होली मिलन समारोह आपने देखा था और आज के दिन इफ्तार पार्टी भी आपको देखने को मिल गया। तो हमारे बीच डॉक्टर यूनुस जी हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है फॉर्ब न्यूज़ में सर। इस वीडियो के सह प्रायोजक हैं अक्षत फैमिली रेस्टोरेंट, एक कंप्लीट फैमिली रेस्टोरेंट जहां मिले लजीज खाने से लेकर चाइनीज फूड तक सभी आइटम्स, साथ में फ्री कैबिन सिस्टम जहां आप अपने प्राइवेसी मूवमेंट्स हमारे लजीज खाने के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो कहां आना है आपको? आना है अक्षत फैमिली रेस्टोरेंट, जिसका पता है कपसिया चौक नियर परिणय गार्डन बेगूसराय। थैंक यू सर। आज क्या खास कार्यक्रम आपने किया? आज हमारे यहाँ सिटी हॉस्पिटल में इफ्तार का कार्यक्रम था, जिसके लिए मैं हमारे हॉस्पिटल प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। चंदन जी हुए, अभिराम जी हुए, डॉक्टर रोशन हुए, कि उन्होंने जो ये हमने कार्यक्रम किया उसके अंदर उन्होंने हमारी बहुत मदद करी। जितने भी लोग थे, हमारे स्टाफ थे, जितने भी हिंदू भाई थे, जितने मुस्लिम भाई थे, उन सबको बुलाया, सबकी गैदरिंग कराई, सबने साथ में बैठ के रोज़ा इफ्तार किया। तो इसको देख कर हमें बहुत खुशी हुई कि यहाँ पर इतनी मेल भावना की इच्छा है। डॉक्टर होने के नाते आप रोज़ा करते हैं, हर अभी तो हर दिन ही चलता है, तो कैसे इस बिजी शेड्यूल को और दोनों को लेके चलते हैं? ये तो सर इच्छा के ऊपर है, अपनी अपनी। जैसे हमारी इच्छा होती है रखने की तो हम रखते हैं, किसी की नहीं होती कोई नहीं रखता है। बाकी कार्यक्रम चलता रहता है, लेट टू गो। भेदभाव को भी कोई पेशेंट में किसी चीज़ का नहीं, पेशेंट के अंदर हमें पहले वोट दी जाती है कि भेदभाव की चीज़ें हम कर ही नहीं सकते। हाँ। जो भी होता है जेन्युइन ट्रीटमेंट होता है सिटी हॉस्पिटल में, जैसा भी होता है, भले कोई भी आए, वो हमारे लिए पेशेंट पेशेंट होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। ठीक है सर। तो हमारे बीच यूनुस जी थे, जिन्होंने बताया कि उनका कोई मकसद ये सिर्फ भाईचारा और प्रेम भाव रखने का है, जहाँ पर इफ्तार पार्टी बेगूसराय में कम देखने को मिलती है, वहाँ सिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर यूनुस जी के द्वारा और सिटी हॉस्पिटल के संयोजकों के द्वारा मिलकर ये इफ्तार पार्टी ऑर्गेनाइज किया गया है। हमारे बीच आज डॉक्टर मनीष जी हैं, जो कि सिटी हॉस्पिटल में देखते हैं, और आज आपके सहयोगी जो कि डॉक्टर यूनुस जी के द्वारा आज यहाँ पर इफ्तार पार्टी ऑर्गेनाइज किया गया और सिटी हॉस्पिटल के द्वारा इफ्तार पार्टी ऑर्गेनाइज किया गया, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? हाँ, ये डॉक्टर यूनुस के द्वारा और डॉक्टर चंदन के द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी बहुत अच्छा संदेश है, जिसमें हिंदू और मुस्लिम के एकता के लिए उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की है और मिलकर काम करेंगे। हाँ, मिलकर काम करेंगे। तो ऐसे ऐसे बेगूसराय में कम देखने को मिलती है, तो आपके हॉस्पिटल के द्वारा और सर के द्वारा जो पार्टी रखी गई है, इस पर आप खुश हैं और साथ में आगे भी ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे? हाँ, आगे भी ऐसा आयोजन करते रहेंगे, क्योंकि अभी डॉक्टर चंदन इसी के बारे में बात कर रहे थे कि आगे भी इस तरह का आयोजन वो ईद के मौके पे, बकरीद के मौके पे और बाकी मौके पे भी ये करेंगे। चलिए, हमारे बीच डॉक्टर चंदन जी हैं, जो कि इस अस्पताल के संयोजक हैं, और इनसे हम जाने सर, आज आपके डॉक्टर यूनुस जी ने आज ये इफ्तार पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन किया है और साथ में आपने भी बहुत मदद की उनको इस पार्टी को ऑर्गेनाइज करने के लिए। ये तो भाईचारा का संदेश हम देना चाहते हैं और हम खासकर डॉक्टर यूनुस को धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो इस तरह का आयोजन के लिए हमें प्रेरित किया और इसमें मेरे सारे स्टाफ ने मिलजुल कर सहयोग किया। इसके लिए हम अपने सारे स्टाफ, कर्मचारी, जो भी डॉक्टर लोग हैं मेरी टीम में, और खासकर डॉक्टर मनीष जी, डॉक्टर गौरव जी, डॉक्टर एमके चौधरी, डॉक्टर रोशन लाल और जितने भी मेरे टीम में डॉक्टर हैं, हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और राजू सर भी हैं, जो कि इस हॉस्पिटल के कर्ता धर्ता हैं और मेरे साथ शुरू से ही लगे हुए हैं। और एक मतलब यही है कि मतलब हम प्रयासरत रहते हैं कि मेरे पास जितने भी पेशेंट आवे उनकी सेवा आप करते हैं। उनकी सेवा
इसी तरह से करते रहें, साथ साथ यही हम देना चाहते, एक भाईचारा का संदेश देना चाहते थे, इसीलिए हमने इस तरह का आयोजन किया। डॉक्टर यूनुस जी को सहयोग मिला है कि आपसे आप और दोनों मिलकर आज इफ्तार पार्टी का ऑर्गेनाइज किया है। जी जी, मतलब बहुत बढ़िया प्रोग्राम था। कल हमारे डॉक्टर साहब चंदन जी का ये प्लान था और यूनुस सर से बात हुई तो हुआ कि इफ्तार पार्टी का जो है सो आयोजन किया जाए, तो हम लोग तो सहयोगी में थे और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। आपके तरफ से पूरा सपोर्ट रहा हूँ। जी जी जी। चलिए, आज यूनुस जी के द्वारा आज यहाँ पर इफ्तार पार्टी का ऑर्गेनाइज किया गया था, एक भाईचारा और सब मिलकर काम करने का एक मैसेज भी था। जी, बहुत अच्छा लगा हम लोग को यहाँ पे आके इफ्तार पार्टी किए और सभी समुदाय के लोग थे और इसमें भाईचारा का संदेश दिया जाता है। रमजान जैसा पवित्र महीना में सब लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं, इसमें कहीं पे कोई भेदभाव नजर नहीं आया। हमारे बीच डॉक्टर गौरव जी हैं, इनसे जाने, आपके सहयोगी डॉक्टर यूनुस जी आपके साथ काम करते हैं और आज उन्होंने एक भाईचारा का संदेश देते हुए एक तार पार्टी ऑर्गेनाइज किया है और हॉस्पिटल जो सिटी हॉस्पिटल उनके साथ मिलकर यहाँ पर दिया, एक भाईचारा का संदेश दिया, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो यूनुस जी और चंदन जी को धन्यवाद कि इस माहौल को उन्होंने बनाए रखा है। एक हिंदू मुस्लिम, ये एक जो संस्था होती है ना, एक मेडिकल का जो संस्था है, इसमें ना ये जातिवाद हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होती है, इसमें बस हम इंसान हैं, इंसान के लिए बने हैं और इंसान का सेवा करने के लिए बने हैं। तो इसमें तो पहले सबसे पहली बात है, जाति की बात ही नहीं आनी चाहिए। ये एक बहुत अच्छा पहल है जो चंदन जी ने और यूनुस जी ने लिया है कि जो एक सब ये समाज में जो ये जो विडम्बना है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब चीज़, ये तो होनी ही नहीं चाहिए। यहाँ पर बस एक ही चीज़ होनी चाहिए, इलाज, और इलाज का प्राथमिकता वो सबसे ऊपर है। चलिए, यहाँ पर हमारे बीच एक राजनीतिक से जुड़े हुए हैं, आज संयोग से यहाँ मिल गए हैं इफ्तार पार्टी में और इनकी तो राजनीति चलती ही रहती है इफ्तार पार्टी को लेकर। हमारे बीच रामविलास लोजपा के युवा प्रदेश महासचिव हैं राजकुमार जी, इनसे जाने, हाल ही में आपके पार्टी के लोग दिखे गए, बहुत राजनीतिक हुई वहाँ पर, जहाँ पर चिराग पासवान भी नज़र आए, रितीश कुमार जी भी नज़र आए और तेजस्वी यादव भी नज़र आए। आप भी आज बेगूसराय में कम देखने को ऐसी पार्टी मिलती है, आज सिटी हॉस्पिटल आए हैं यहाँ पर डॉक्टर यूनुस जी के द्वारा यहाँ पर पार्टी रखी गई है। आज तो पार्टी की कोई चर्चा होनी ही नहीं चाहिए। अच्छा। एक हॉस्पिटल में कोई जाति और कोई धर्म का इलाज नहीं होता, यहाँ पे पहले से सारे समुदाय का इलाज होता है। तो सबसे पहले यूनुस सर को और चंदन सर को बहुत बहुत धन्यवाद जो इस कार्यक्रम को आयोजित करके हर जाति धर्म को एक साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। और यूनुस सर तो हैं ही और साथ साथ डायरेक्टर चंदन सर भी हैं, गौरव सर हैं, रोशन लाल सर हैं, मनीष सर हैं और भी सर जो हैं जिनका बहुत सारे के नाम नहीं जानते हैं। इस तरह से इन लोग का जो अपना एक टीम है अच्छे वर्क कर रहे हैं, उसी तरह हम चाहते हैं हमेशा करते रहें सिटी हॉस्पिटल के पूरे टीम और हर समुदाय के साथ जुड़ के अच्छे से इलाज करते रहें, कोई जाति धर्म को देख के नहीं इलाज होता है। विचार व्यवहार उनका सारा चीज़ बहुत अच्छा लगा और उनके जो व्यवस्था सिटी हॉस्पिटल का है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आज इनके थ्रू से इनके इससे जो है ना काफ़ी लोग हिंदू मुस्लिम आपस में बैठ के एक जगह इफ्तार किए, ये सबसे बड़ी खुशी हुई। तो अभी हम आए थे सिटी हॉस्पिटल जहाँ पर डॉक्टर यूनुस जी के द्वारा और सिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टरों के द्वारा यहाँ पर आज इफ्तार पार्टी का ऑर्गेनाइज किया गया था, जहाँ पर एक भाईचारा को देखने को मिला और एक एकता देखने को मिला कि कर्मचारी हो या फिर स्टाफ हो, डॉक्टर हो, एक साथ एकजुट कर बेगूसराय की जनता की सेवा करते हैं। एक बहुत अच्छा मैसेज है और हिंदू मुस्लिम या कोई भी धर्म हो वहाँ पर एक एकजुटता देखने को मिला। इसी के साथ मैं कुमार सानू लेता हूँ आपसे विदा, मिलूंगा अगले एपिसोड में अगले खबर के साथ। तक के लिए हमारा चैनल जीरो जिसका नाम है फॉर्ब न्यूज़, ताकि हम ऐसे ऐसे खबर लाते रहें।